हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको एडिट करना सिखाऊंगा। गाइस, अगर आप भी अपने नेम के साथ किसी और के नेम की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैंने बिल्कुल ईजी वे में आपको इस टाइप की नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग करना सिखा है। तो इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। इस एप्लीकेशन का नेम है एलाइड मोशन। गाइज, इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। गाइज, मुझे आपको मैसेज कर देना होगा, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना होगा। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है vinisonial2124। आप लोग यहां पर साइड में देख सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप लोगों को मुझे वहां पर लिख देना है कि सेंड मी एलाइड मोशन लिंक। बस गाइज, आप लोगों को मुझे इतना कर देना है, मुझे मैसेज कर देना है, मैं फिर वहां पर इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए, मैं इसको यहां से ओपन करता हूं। तो गाइज, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने इसका इंटरफेस यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब नीचे की साइड गाइज, आप लोगों को प्लस पर क्लिक करना होगा। 9:16 की रेशो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। एंड गाइज, 9:16 की रेशो सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे की साइड क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को फिर से प्लस पर क्लिक करना होगा। फिर से आपको इमेज वीडियो में जाना होगा। तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इजीली से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो ऐड कर दी है। मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये वीडियो ऐड कर दी है। मुझे करना क्या होगा, इसमें अब एक इफेक्ट ऐड करना है। तो वीडियो में इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट में जाना होगा। एंड आप लोगों को ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को ऊपर सर्च बार में सर्च कर लेना होगा HUE। तो जैसे आप HUE लिखेंगे, यहाँ पर ये इफेक्ट निकल कर आ जाएगा, ह्यू शिफ्ट वाला। तो आप लोगों को इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऐड कर लेना होगा। ऐड करने के बाद अब आप लोगों को प्लस पर क्लिक करना होगा। इसकी वीडियो की लेयर में आपको एंड में जाके फिर से प्लस पर क्लिक कर देना होगा। एंड आप लोगों को इसको यहाँ से अब 4x यहाँ पर आप लोगों को कर लेना होगा। ठीक है गाइस, 4x या कम भी आप ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको 4x यहाँ पर कर दिया है। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा दे देता हूँ। तो गाइस, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं इस वीडियो में कलर कितने चेंज हो रहे हैं और कितने ज़्यादा अच्छे हैं देखने में लग रहे हैं। अब हमें इसमें यहाँ पर नाम लिखना है ऊपर की साइड। तो नेम लिखने के लिए आप लोगों को प्लस पर क्लिक करना होगा। एंड आप लोगों को टेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने R यहाँ पर लिख दिया है। एंड R लिखने के बाद आप लोगों को ऊपर रोबोटर रेगुलर पर क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गाइज एक फ़ॉन्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोग इस फ़ॉन्ट को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़ॉन्ट को यहाँ से ऐड कर देता हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसमें ये फ़ॉन्ट ऐड कर दिया है। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को अब इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर देना होगा। ठीक है, आप लोगों को जूम करके ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोग जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहें, आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों को इसकी लेयर को भी यहाँ पर एंड तक कर लेना होगा। लेयर में एंड गाइज, लेयर को एंड तक करने के बाद आप लोगों को बॉर्डर एंड शैडो वाले आइकन पर चले जाना होगा। एंड आपकी इसको गाइज, आप लोगों को इसकी स्ट्रोक कलर यहाँ पर जो भी है, वाइट कलर जो भी आप इसमें वाइट कलर या कोई और कलर ऐड करना चाहें इसकी स्ट्रोक में, वो कर सकते हैं। एंड साइड में आप लोगों को कलर फिल वाले आइकन पर जाके इसमें जो भी कलर आप कर ऐड करना चाहें, वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। गाइज़, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसमें ये वाला कलर यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हमें इसमें एक इफेक्ट भी ऐड करना होगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए फिर से आपको इफेक्ट वाले आइकन पर जाना होगा। ऐड इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर सर्च बारे में आपको सर्च कर लेना होगा ड्रॉइंग प्रोग्रेस। ठीक है, तो जैसे ही गाइज आप यहां पर सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस, ये ऊपर की साइड यहां पर आप लोगों को इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आप लोगों को इस इफेक्ट पर क्लिक करके इसको यहां से ऐड कर देना होगा। तो गाइज, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हमारा इफेक्ट यहां पर ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपको एंड पर क्लिक करना होगा। प्लस पर क्लिक करके आप लोगों को इसको यहां से जीरो कर लेना होगा। ठीक है, तो गाइज जीरो करने के बाद आप लोगों को इसकी लेयर में आपको एंड यहाँ पर बीच में आ जाना होगा, मिडल में आपको आ जाना होगा। मिडल में आने के बाद जो हमने अभी जीरो किया था, अब आप लोगों को उसको यहाँ से 100 कर लेना होगा। तो 100 करने के लिए आप लोगों को उसको फटाफट से 100 यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 100 यहाँ पर कर दिया है और इसमें इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसमें इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमें इसमें सेकंड नेम लिखना है। तो सेकंड नेम लिखने के लिए आपको इस वाले आइकन इसकी लेयर पर ही क्लिक करना होगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर ऊपर प्लस पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे गाइज आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसमें यहाँ पर सेकंड लेयर निकल कर आ जाएगी। अब आप जो यहाँ पर सेकंड लेयर निकल कर आई है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले आइकन पर जाना होगा। एंड आप लोगों को इसको
खींच के आप लोगों को इधर की साइड आपको इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अगर आप इसका नेम वगैरह चेंज करना चाहें तो आप लोग यहाँ से नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को उस लेयर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एडिट में जाना होगा। एडिट में जाने के बाद जो भी आप यहाँ पर गाइज लगाना चाहें, यानी कि आप लोग अपने नेम लिखना चाहें, कोई और नेम लिखना चाहें, वो आप लोग अपना यहाँ पर सेकंड नेम लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड या जिसका भी आप लिखना चाहें वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेम भी चेंज कर दिया है एंड इन दोनों फॉन्ट में यहाँ पर इफेक्ट भी ऐड हो गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। गाइज़ अगर आप इसमें हर्ट वगैरह ऐड करना चाहें तो हर्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, फिर से आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। प्लस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को टेक्स्ट में जाना होगा। तो गाइज टेक्स्ट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इमोजी, कोई भी एक इमोजी ऐड कर देना होगा। तो मैं यहाँ से इमोजी ऐड कर देता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ से इस इमोजी को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना होगा। ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, इसकी लेयर को भी यहाँ पर आपको एंड तक कर लेना होगा। एंड तक करने के बाद आप लोगों को नीचे की साइड एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म का। तो आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से जूम कर लेना होगा, ठीक है। सॉरी, इसको गाइज आप लोगों को यहाँ पर जूम कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आप लोगों को जहाँ पर भी आप इसको ऐड करना चाहें वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहें ना, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है मिडल में, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ अगर आप इसमें सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहें तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा। ऑडियो में जाना होगा। ऑडियो में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो भी गैलरी में आपने अपनी गैलरी में सॉन्ग डाउनलोड कर रखे होंगे सारे सॉन्ग निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप सॉन्ग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारा वीडियो तो रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखला देता हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं हमारी वीडियो कितने ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो गाइज़ आप लोग कुछ इस टाइप से अपनी नेम के साथ किसी और की नेम की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज़ अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे गाइज़ आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा और एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपकी गैलरी में वीडियो सेव भी हो जाएगा। तो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था। तो मैं मिलता हूँ आपको नए